नमस्कार, मैं हूं कल्पना पटवारी और लाइव ग्लोबल न्यूज के माध्यम से मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। मैं अभिनव पवन पूरे बिहार देशवासियों को क्रिसमस और नए साल के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई देता हूं। आप सभी के लिए नया साल बहुत ही मंगलमय। मैं कैप्टन आर्यन सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष फैशन विभाग कला संस्कृति प्रकोष्ठ, पूरे हिंदुस्तान वासियों को, हमारी माताओं, हमारी बहनों को, जितने भी आपके दर्शक हैं उनको क्रिसमस की और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बड़ा योगदान है कि अटल बिहारी जी का सम्मान समारोह किया जा रहा है पटना में और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटी आए हैं तो पूरा एसके मेमोरियल भरा पड़ा है। देखिए, अभी मार्च में एक बहुत बड़ा फैशन शो हम लोग के टीम करवा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है और आप लोग आए देखें, जो कि वर्ल्ड लेवल का एक फैशन शो होने वाला है, तो बहुत बड़े पैमाने पर होगा। तो अभी से इतना ही जानकारी हम दे पाएंगे, जब आप जुड़ेंगे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, पटना से आपका लगाव भी रहा है जी। और तो आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, आज की आपकी क्या भूमिका है? देखिए, हम सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों को प्रणाम है और ये दर्शकों का प्यार है कि इस सम्मान के काबिल हमको समझा गया और अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो कि अभी हमारे बीच नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि देश के इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके नाम पे हमको एक सम्मान और वो पुरस्कार मिल रहा है। असल में ये पुरस्कार और ये सम्मान जो है ना, वो आप लोगों का प्यार है जो ट्रॉफी बनके, सम्मान बनके हमको मिलेगा और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तमाम हमारे जितने भी फैंस हैं, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमको देखते हैं, सुनते, समझते, पसंद करते हैं, ये उनके तरफ से वो प्यार है जो आज ट्रॉफी बन के हमको मिलेगा। तो उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। और बस अभी नया साल आ रहा है तो आप सभी को हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब सारा नाम, यश, पैसा, धन खूब कमाइए, इज्जत कमाइए, शोहरत कमाइए और बस सभी की जो वैलिड मुरादें हैं वो पूरी हो। सभी को मेरी क्रिसमस और क्रिसमस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सेंटा क्लॉज जो आते हैं वो आपकी विशेष जितनी भी है वो अपने झोड़ी में भर के लाएं और सबको दें और सबको पूरी करें। थैंक यू सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले सर आज शो के बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं कि किन-किन विशेष कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि आपने हमें मौका दिया बोलने का। अटल जी का जन्मदिन खुद में एक बहुत बड़ा दिवस है जिसे पूरा देश बड़े धूमधाम से मनाता है और उसी के उपलक्ष्य में आज आदरणीय बड़े भाई वरुण सिंह जी कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ को लीड करते हुए राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह करा रहे हैं। उसमें मैं और आदरणीय बड़े भाई कैप्टन साहब आर्यन सिन्हा जी, जो कि फैशन विभाग के उपाध्यक्ष हैं, हम दोनों ने बहुत ही कर्मठ तरीके से मेहनत किया है कि ये प्रोग्राम सफल हो। आप लोगों को देखने को ज़रूर मिला होगा कि गणमान्य अतिथियों में आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, आदरणीय श्री उदित नारायण, समक्ष श्रेयसी सिंह जी और कई सारे लोग उपस्थित हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कला संस्कृति प्रकोष्ठ इतने बड़े माध्यम से इतना बड़े प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है और पूरे बिहार के हर कोने से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वरुण भैया को आप देख ही रहे हैं कि मेरे बुलाने पर भी वो नहीं आ पा रहे हैं, जबकि वो कितना ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। मैं यही बोलूँगा कि हर साल अटल सम्मान समारोह इसी तरीके से होता रहे। बिहार के कोने कोने से आए हुए लोग जितना अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है और आदरणीय श्री उदित नारायण जी जब यहाँ पे आ गए, आदरणीय बड़े भाई जेडी जी ने खुद उनका प्रबंध किया, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस तरीके से आगे प्रोग्राम चलता रहे, आप लोग प्रोग्राम
का आनंद लें, और मैं चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई आर्यन सिन्हा जी भी ज़रूर अपना कुछ इस पे ज़रूर। देखिए, आज के प्रोग्राम की बात ही नहीं की जाए, क्योंकि ये अपने आप में एक अद्भुत प्रोग्राम हो रहा है। जैसा कि आप देखे हैं, पूरी कृष्ण मेमोरियल खचाखच भीड़ से भरी हुई है। गणना जितने भी माननीय हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, वो अपने आप में एक रिनॉल्ड्स नाम है, जिनको कि हमको बोलने में भी एक फख्र होता है कि बिहार में इतने बड़े बड़े कलाकार आकर के अटल सम्मान, माननीय अटल सम्मान समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। और मैं वरुण भैया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने उनके नेतृत्व में इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। ये बिहार के लिए अपने आप में एक गौरव की बात है।